अपने प्रचार अभियान के दौरान गांव शाहपुर में पहुंचे जेजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर रणधीर सिंह से भी बात हुई, जहां गांव वासियों ने उनका भारी स्वागत किया। प्रोफेसर रणधीर सिंह ने इस मौके बातचीत करते हुए कहा कि पिहुआ में हमेशा से ताऊ देवी लाल की सोच का दबदबा रहा है। नमस्कार, चंडीगढ़ टाइम टीवी की विशेष पेशकश किसमें कितना दम, हरियाणा की चुनावी जंग। इसमें हम इस वक्त पहेवा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि पहेवा सरस्वती तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। एक बार फिर बता देते हैं कि यहां पर हमेशा से इनेलो और कांग्रेस का दबदबा रहा। राजनीतिक माहौल जो है पूरी तरह से गर्माया हुआ है और जेजेपी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में है। तो शाहपुर में जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रणधीर सिंह जी यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या चुनावी मुद्दे हैं और किस तरह का माहौल रहेगा इन चुनावों में। रणधीर जी स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं? यहां का बच्चा यहां अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा जी, अपने भविष्य को वो यहाँ धुंधला होता नजर देख कर रहा है। इसीलिए हमारे बच्चे विदेशों की तरफ जा रहे हैं और आज विदेशों में भी जा कर के हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। हमें बड़ा महसूस होता है जब पता चलता है कि कोई बच्चा जाता है तो रास्ते में रह जाता है। हमें बड़ा पता चलता है कि कोई बच्चा जब जाता है तो विदेशों में भी जा कर के वो कहीं ना कहीं दुख और दुविधा में है। तो हमारी पहली कोशिश यही रहेगी कि हम कोई ऐसा काम करें, हम हायर एजुकेशन को बढ़ावा दें, हम जन चेतना पैदा करें, हम एक कंसेप्ट विजन और मिशन पैदा करें ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं रोज़गार के लिए विदेशों में ना जा करके दुष्यंत चौटाला जी पे भरोसा करके और सत्ता को परिवर्तन करके यहीं पर उनके रोजगार के संसाधन बनाए जाएं। ये सीट पर पहले इनेलो और कांग्रेस का दबदबा रहा है, जेजेपी अब चुनावी मैदान में है, इनेलो तो यहाँ से नहीं है। ऐसे में विधायक जसविंदर संधू जी के निधन के बाद यहाँ पर गगनदीप भी नहीं है, तो क्या मानते हैं जो इनेलो की वोट थी वो कहाँ जाएगी, उसका फायदा मिलेगा आपको? यहाँ जो दबदबा रहा है वो ताऊ देवीलाल जी की सोच का दबदबा रहा है, उनकी नीतियों का दबदबा रहा है। और आज ताऊ देवीलाल जी को लीड कौन कर रहा है? जननायक जनता पार्टी जो है वो ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को लीड कर रही है, उनकी विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके कार्यक्रमों को, उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार आज दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। पांडु पंडारा की धरती पर एक संकल्प लिया था कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक देवीलाल जी की नीतियों को जन जन तक नहीं पहुँचाने का काम करेंगे। दूसरी बात आपने कही कि आपको कैसा लग रहा है, रात के 8 बजे हैं और रात के 8 बजे इस छोटे से गांव में हमारी बहन बेटियां भी खड़े हैं और हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो ये आपको क्या संदेश दे रहे हैं? ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि आज इस धरती का तुणका तुणका भी और माटी का कण कण भी और बच्चे का जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी और पढ़ाने वाला मास्टर भी और किसान में खेत भी सब एक ही बात कर रहे हैं कि इस बार तो हम दुष्यंत चौटाला में भरोसा करेंगे और पेवा की सीट भारी मतों से जिता करके दुष्यंत चौटाला जी को मजबूत करने का काम हम जरूर करेंगे। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए मैं नीलकमल अपने सहयोगी डॉक्टर के संधु सिकरी के साथ।